बॉलीवुड बॉयकट होगी, लेकिन ये जो मूवी आ रही है इसको हम लोग बॉलीवुड के थ्रू नहीं, हम अपने सनी देओल के लिए देखने जाएंगे और मुझे पता है ये हिट जाएगी। 12वीं फेल, 4थी फेल एक्टर एक्ट्रेस हमारे देश में राज कर रही हैं, वो नेपोटिज्म चल रहा है बेटी। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर हैं, एक था शाहरुख खान, ठीक है, अब वो था हो गया, जिसे अपनी जारा से प्यार होता है, वो एक मुसलमान लड़की थी, उस पे मूवी बनती है वीर जारा। जितने भी लड़के लड़कियां हैं बहुत एक्साइटेड हो, कोई लव मूवी रिलीज हुई है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी जारा से मिलने जाता है, फिर पाकिस्तान में उसे कुत्ते की तरह मारा जाता है और फिर उसे जेल में बंद किया जाता है। जब उसकी हड्डियां बूढ़ी हो जाती है लग, तब जाके वो जारा से मिलता है। उस बूढ़ी हड्डी में बेचारा क्या कर पाएगा, चलिए कोई बात नहीं, वो भी प्रेम का मामला है, उसको साइड करिए। दूसरी साइड आती है एक मूवी गदर, एक प्रेम कहानी जिसमें सनी देओल का रोल था। उसमें वो अपनी सकीना से मोहब्बत करते, वो भी एक मुसलमान लड़की थी, उसके लिए वो पाकिस्तान घुसते हैं, वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वहीं का हैंडपंप उखाड़ के उसे ही मार के आते हैं अपनी सकीना को लेके। तो कौन से एक्टर को ये लोग फॉलो करेंगे? अब जाहिर सी बात है कोई भी लड़की चाहेगी उसका हस्बैंड, उसका पति मर्द हो ना मर्द हो, थोड़ी ना कि मार खा के रह जाए। जब तूने बुलवा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने बोल दिया, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। स्वाद आ गया था भाई, स्वाद आ गया था। अब गदर की आ रही है गदर टू, तो सकीना भाभी को लेने चलना है देशवासियों, और 500 की टिकट लगे चाहे 1000 की टिकट लगे चाहे टैक्सियां बुक करके चलना पड़े, सकीना भाभी को हम छोड़ के नहीं आने वाले हैं। गदर टू देख के आएंगे, सन्नी पाजी जाएंगे, सकीना भाभी को लाएंगे, पंप मिलेगा तो पंप उखाड़ के आएंगे, तंबू मिलेगा तो तंबू उखाड़ के आएंगे। पर सकीना भाई करण जौहर, इसने बॉलीवुड का सारा सिस्टम इसने खराब करके रखा है, अनुराग कश्यप जैसे, है ना। ये जब कश्मीर फाइल पिक्चर आती है जब, तो इनके बड़ी मिर्चियां लगती है ना, बड़ी मिर्चियां लगती है। क्यों? क्योंकि वो देश की सच्चाई को बता रहे हैं, वो उस इतिहास को बता रहे हैं जो हम सबसे छुपाया। कांग्रेस मिलकर एक लाल सिंह छड्डा को हिट नहीं करवा पाए, हम सनातनी हिंदू शेरों ने रातों रात द कश्मीर फाइल्स को। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मतलब क्या कारण हो सकता है, तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का एक ऐसा ये ग्रहण लगा है, एक ऐसा ये श्राप लगा है कि उसके बाद से बॉलीवुड का ये जो सिक्का है वो उछलना बंद। पाकिस्तान भोकला गया कि वो मैं निकला गड्डी लेकर के कहीं पाकिस्तान में ना घुस जाए भाई। पाकिस्तान की मिलिट्री सारी बॉर्डर पे लग चुकी है और पाकिस्तान की मिलिट्री के जितने कर्नल जनरल है सबको आदेश और ऑर्डर है सख्त कि तुम्हारी ड्यूटी चले जाएगी अगर अब की बार हिंदुस्तान में सकीना चले गई। घबरा गए भाई, और देश की जनता इस पिक्चर के लिए इंतजार कर रही है कब रिलीज हो और कब फर्स्ट शो देखें। हमारी माताएं बहनों को ना ये पिक्चर जरूर दिखाना भाई, पिक्चर आ गया ना, सकीना एक नहीं आएगी अब की बार, सकीना 100-200 आनी चाहिए भाई साहब। इस बार सकीना पाकिस्तान से एक नहीं आएगी, 100-200 100-200 मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है इस बार सकीना है 500 से ऊपर आएंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ए अशरफ अली, बारिश से बचने की औकात नहीं है तुम्हारी, हमसे लड़ने की बात करते हो तो ये एक हिंदुस्तानी मतलब हमारे जो ये पब्लिक है, हमारे व्यूअर्स है, इनके अंदर इस चीज को लेके इच्छाएं हैं जो जाहिर करना चाहते हैं। मैंने अपने पहले के इंटरव्यूज में भी बहुत बार बोला है कि एक वो समय था, एक वो दौर था जब बॉर्डर गदर जैसी मूवीज बनती थी, तब बॉलीवुड से हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लॉकबस्टर होगी, सुपर हिट की तो बात छोड़िए, ब्लॉकबस्टर होगी है, और आने वाली जितनी भी पिक्चरें आएंगी सनी देओल जी की और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई, हमारे देश से जुड़ी हुई, जैसे उरी आई थी, ये सब पिक्चरें सुपर हिट ब्लॉकबस्टर ही होने वाली है। अशरफ अली, तूने बुलवा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने बोल दिया, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। अशरफ अली, अपनी औकात में रहना। देखिए सनी देओल जी तो भारत के बहुत अच्छे लोकप्रिय अभिनेता हैं, पाकिस्तान में उनको बैन कर दिया गया था ये गदर बनाने की वजह से, तो उनका जो बायोकॉट कर रहा है समझ लो पाकिस्तानी समर्थित है। और सनी देओल एक अच्छा अभिनेता जी है और उन्होंने हमेशा राष्ट्र और राष्ट्र को आगे बढ़ा के हर पिक्चर बनाई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सनी देओल पसंद नहीं है, उन्हें ऐसे लोग पसंद है जो उनको धर्म के नाम कोई भी हो अगर हमारे धर्म के खिलाफ हमारे देवी देवताओं के खिलाफ पिक्चर बनाएगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसे इस देश में भी रहने नहीं देंगे, उसे ऐसी जगह भेजेंगे कि जहां से वो कभी लौट के नहीं आएगा। ये देश धर्म निरपेक्षता देश है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हिंदुओं को कितना गिराओगे,
हिंदुओं को कितना गिराओगे, और किसी धर्म पे बोल दो तुम्हें एक मिनट में संतन से जुदा करने का नारा दे देंगे, लेकिन एक सनातनी धर्म है जो आप अपनी गलती भी मान लेते हैं। पहले तो एक्साइटमेंट सन्नी देओल का ही है, पिछली बार वो हेडपंप उखाड़ के ले आए थे, इस बार पता नहीं क्या उखाड़ के लेके आएंगे, तो जनता देखना चाहती है। और हो सकता है कि इस बार, क्योंकि इतनी काफ़ी लेट ये मूवी रिलीज हो रही है, मैं तो कहता हूँ बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन गदर 2 चलो काफ़ी दिन बाद आ रही है, लेकिन जनता बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही है कि ये मूवी कब रिलीज हो और हम इसे देखने जाएं। अगर पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई जाती है तो तुम लोगों का दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, रहते हिंदुस्तान में हो, भारत माता की कोख से पले हुए हो और गुणगान करते हो पाकिस्तान का, तो तुम इस देश की मिट्टी में तुम हम हो, लेकिन तुम इस मिट्टी के लायक नहीं हो। तुम्हारा सीना आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, यह झलकता है जब तुम बार बार कोर्ट के रास्ते जा रहे हो और दिखा रहे हो कि तुम्हारा दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है, क्योंकि गदर 2 मूवी तो फिर तुम क्यों कोर्ट जा रहे हो, इससे स्पष्ट होता है कि आपका हृदय कहीं ना कहीं भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए धड़कता है। देखना चाहती है भारत की जनता, तो हम इस मूवी का समर्थन करते हुए तमाम भारतवासियों से अपील करते हैं कि भाइयों, एक दिन नहीं जब तक यह मूवी हॉल पर लगी रहे, जाइए और मूवी को देखिए और पूरा समर्थन दीजिए, ताकि गदर 2 मूवी जो सच्चाई पर आधारित है, इसी प्रकार की मूवी बार बार बॉलीवुड के अंदर बने।